पब्लिक, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट एमुलेटर कौन सा है फ्री फायर को अपने बजट कंप्यूटर में जो है वो खेलने के लिए। अब इस वाली वीडियो में मैं जो एमुलेटर देने वाला हूँ ये काफी ज्यादा स्ट्रीमर्स जो है वो यूज करते हैं और मॉन्टेज वगैरह में भी जो बंदे आपने देखे होंगे अक्सर वो यही एमुलेटर का वर्जन यूज करते हैं। ये जो है एमुलेटर आपके लो एंड पीसी में भी चल जाएगा और इस वाली वीडियो में मैं आपको इसकी फ्री फायर की हेडशॉट वाली सेटिंग भी बताने वाला हूँ। मतलब कंप्लीट गाइड ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखने, कहीं से भी स्किप नहीं करना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये वर्जन आपको डाउनलोड करना है, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा। इसका साइज थोड़ा ज्यादा है तो आपने डाउनलोड कर लेना। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलर आ चुका है। आपने इस पे टिक कर लेना है एंड यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर जाना है जहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं इधर ही इसको इंस्टॉल करूंगा। इसके लिए देखिए मैं आपको फिर भी सिस्टम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। रैम आपके सिस्टम में जो होनी चाहिए वो 2 GB होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की तो आपके सिस्टम में हाइपर वी जिसे VT बोलते हैं वो आपके सिस्टम में अनेबल होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भाई वो प्रोसेसर इसमें चल जाएगा जिसमें VT अनेबल है, ये बात याद रखें। एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात करें, अगर आपका प्रोसेसर इंटेल कोर i5 जनरेशन का है तब आपको जो है वो ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रोसेसर है ही कोर 2 का तब आपको पब्लिक जो है वो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की जरूरत है। और 512 MB ग्राफिक कार्ड फ्री फायर को चलाने के लिए काफी है। और बाय द वे अगर आपको VT अनेबल नहीं किया और पता नहीं VT अनेबल होगा कि नहीं, अपने प्रोसेसर के बारे में मतलब कुछ भी नहीं पता, बातें आपकी सारी ऊपर से जा रही है, तो मैं एक वीडियो दे दूंगा जिसमें VT की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। भाई मैं कहता हूँ कि जबरदस्त वीडियो है। ऊपर आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, वहां से जाके आप जो है उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब इस सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी टाइम ले रहा है इंस्टॉल करने में, तो आपने करना क्या पब्लिक, वेट करना। ये नहीं है कि भाई टक हो गया, ऐसा नहीं। मैंने तकरीबन काफी टाइम से इसको इंस्टॉल पे लगाया हुआ है। अगर आपके सिस्टम में SSD है तो भाई ये चुटकियों में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा आपने करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो अभी हम करते हैं इसको लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक इतना जल्दी ये एमुलेटर देखे लॉन्च हो भी गया। यकीन करें ये वीडियो मैंने स्किप नहीं की इधर से। अभी हम करेंगे क्या, इसकी सेटिंग करेंगे। तो चलते हैं भाई इस एमुलेटर की सेटिंग में। आपको रेजोल्यूशन ये वाली रखनी है। इंजन के ऊपर जाके आपको यहाँ पे लेगेसी रखना है। भाई सही है यहाँ यार, परफॉर्मेंस रख देना। एंड यहाँ पे नीचे आपने चले जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रिकमेंडेड में यहाँ पे मीडियम बता रहा है, आपका रिकमेंडेड पे कोई भी बताएगा। यहाँ पर आप 4B कर सकते हो। अब कैसे आपको कोर सेलेक्ट करने वो मैं बता देता हूँ। आपको जाना है टास्क मैनेजर में अपने सिस्टम की, एंड यहाँ पे आपको जाना है अपनी परफॉर्मेंस में। ठीक है, देखें यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 4 कोर्स हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 4 दे सकते हैं लेकिन मैं 2 दूंगा। रैम आपको हाफ देनी, मतलब अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो यहाँ पर आप 2 GB दे सकते हो। इसी तरीके से अगर 6 GB रैम है तो 3 GB दे सकते हो। अब आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पर आपको नीचे जाके यहाँ पर गेम पैड को अनचेक कर देना है। अब आपको एडवांस सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पर ध्यान देखने वाली चीज है, यहाँ पर आपको ROG की डिवाइस सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे सेव कर देना है। अभी फिलहाल करते हैं इसमें फ्री फायर डाउनलोड करेंगे। तो अभी हम फ्री फायर इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं जीमेल में क्या, एंड यहाँ पर अपनी आईडी को साइन इन करते हैं। देखिए यहाँ पे XAPK वाले मेथड है, लेकिन भाई इस वाले एमुलेटर में मैं वो रिकमेंड नहीं करता। एक दफा यार कर लो फ्री फायर डाउनलोड, क्योंकि भाई मेरी एक आईडी बैन हुई थी, शायद थर्ड पार्टी की वजह से थी, क्या सीन है। तो यहाँ पर भाइयों मैंने अपनी ईमेल की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पुट कर दिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कंप्लीटली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे फ्री फायर सर्च करते हैं। तो मेरे जो इंडिया भाई है ना वो कैसे करेंगे, आपने करना है VPN यूज कर लेना, किसी भी कंट्री का VPN लगाओ। टॉम VPN है ये वाला, इसको कनेक्ट कर लेना, ये बड़ा आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका ये ना शो हो जाएगा। तो इंडिया भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे पाकिस्तान में ये बैन नहीं। तो अभी हम करते हैं पूरा का पूरा इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो पब्लिक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे MSI ऐप लेयर में जो है वो फ्री फायर लेटेस्ट अपडेट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक एंड यहाँ पर हम फ्री फायर को जो है वो सिंपली लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई देख सकते हैं हमारा फ्री फायर का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। और आप ये भी बताएं पब्लिक, जो फ्री फायर का लेटेस्ट अपडेट है ना उसमें मुझे ज्यादा लैग फील हो रहा है, पता नहीं थोड़ा हैवी हो गया क्या सीन है। यहाँ पर FBS आप देख रहे हैं लोबी पे कॉन्स्टेंट 16 आ रहे हैं। अभी हम करेंगे क्या, यहाँ से साइन इन करेंगे। यहाँ पे फेसबुक का हमें सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर आपको फेसबुक ऐप के ऊपर क्लिक करना है। इसकी सबसे खास बात ये कि आपको इधर से आप ईमेल एंड पासवर्ड डाल के साइन इन हो सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे साइन इन कर लिया, कोई भी इशू नहीं है पब्लिक। इसलिए भाई हर बंदा इसी वर्जन को यूज करता है। ये लो एंड में भी चल जाता है, मतलब
काम का काम हो जाता है और हमारा फ्री फायर भी बिल्कुल स्मूथ जो है वो यहाँ पे चला देता है। आपको जो है ना यहाँ पर जो इसको नॉर्मल कर देना है फ्रेम रेट्स को, अगर बहुत बजट से आपके पास इसी है नॉर्मल इंच को स्मूथ कर दो, ये सेटिंग आपके लिए बेस्ट है और इसमें आपके 16 FPS कॉन्स्टेंट आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मतलब बिल्कुल प्रो वाली जो की मैपिंग है ना, काफी ज्यादा स्ट्रीमर जो इस वर्जन पे खेलते हैं उनकी मैंने की मैपिंग बनाई है, साथ ही साथ उनकी मैंने जो कंट्रोल सेंसिटिविटी है वो खुद ही यूज करते हैं तो उनकी कंट्रोल सेंसिटिविटी भी जो ग्लू वगैरह की सारी मैंने वो भी बनाई है, वो भी आपको जो है वो मिल जाएगी सारा, ठीक है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाके आप एडिट कर सकते हो सारा का सारा, पर मेरे कमेंट सेक्शन में एक तो ये डाउनलोड लिंक होगा ना MSI का, आपने शो मोर के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको वहां पे मिलेगा गूगल ड्राइव का, उसके अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगी एंड साथ ही साथ कुछ स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, उन्हें आप देख के ना अपना जितना भी सेंसिटिविटी है जैसे इसको नीचे की तरफ मतलब पूरा सेट कर लेना है आपने। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।